हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। गेम शो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं ममता सचदेवा, आप सबके साथ में एक बार फिर से। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं कैबिन क्रू हूं, बहुत ट्रैवल करती हूं, कैबिन क्रू मैनेजर, पर्स, इन फ्लाइट सुपरवाइजर। मुझे ये तीनों टाइटल इसलिए भी बोलने पड़ते हैं क्योंकि सब कंपनीज में जो एक टाइटल होता है मैनेजर का, वो डिफरेंट नाम से होता है। पर चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं कैबिन मैनेजर हूँ इंटरनेशनल एयरलाइन में और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ। और मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे देश में अभी भी कई चीज़ें ट्रैवल को लेकर वो लोगों को क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से मैं आप सबके समक्ष आजकल ट्रैवल से रिलेटेड भी काफी वीडियोस लेके आ रही हूँ अपनी जबान में, ताकि मेरे जो लोग हैं मेरी जबान वाले, उन तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो किसी बात से कंफ्यूज ना रहे, उनके पैसे कभी वेस्ट ना हो, या उनके कोई प्रोडक्ट को एयरपोर्ट के ऊपर निकाल ना लिया जाए जो उन्होंने इतना पैसा लगा के खरीदा हो। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ एक जनरल रूल्स बता देती हूँ कि एक चेक इन बैगेज होता है और एक हैंड बैगेज होता है। चेक इन बैगेज होता है जिस बैगेज को हम जमा करा देते हैं, सूटकेस को, ट्रॉली को, जो भी होता है उसको जमा करा देते हैं। उसके अंदर आप जो लिक्विड लेके जा सकते हैं उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आपको नहीं करता। वो चाहे 200 ml की बॉटल हो, 300 ml की बॉटल हो, 100 ml की बॉटल हो, क्योंकि वो जमा हो जाएगा, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। क्योंकि वो बैगेज जब एक बार स्टाफ आपसे ले लेता है तो उसको आप यूज नहीं कर सकते किसी गलत तरीके से, उन लिक्विड्स को। लेकिन जो लिक्विड्स आपके हाथ में जाते हैं, चाहे वो मेकअप है, चाहे वो शेविंग फॉर्म है, चाहे वो क्रीम्स हैं, चाहे वो शैम्पू है, चाहे कोई भी चीज है, जो आपके हाथ वाले बैग में जाता है, जो चेक इन करने के बाद आपका बैगेज आपके हाथ में ही रहता है, जिसको आप जहाज में लेके जाते हैं, उसमें जो लिक्विड आइटम्स हैं उसको ले जाने की एक लिमिट होती है। और उसका कारण भी मैं आपको बताती हूं कि उसका कारण क्या है। एक्चुअली आज से कुछ साल पहले ये जो रूल है वो इम्प्लीमेंट नहीं था, क्योंकि इससे पहले कभी इसके रिलेटेड कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। लेकिन एक इंसिडेंट मेरे हिसाब से लंदन में ऐसा हुआ था कुछ साल पहले, जहां पे किसी गलत लोगों ने इन्हीं लिक्विड्स को यूज करके फ्लाइट के अंदर कोई केमिकल कुछ ऐसा बनाया जिससे कि वो दूसरे पैसेंजर्स को परेशान कर सकते थे, या जिससे फ्लाइट की सेफ्टी के ऊपर कोई बात आ सकती थी, और वो लोग पकड़े गए थे। जब से वो एक इंसिडेंट हुआ है, मेरे ख्याल से लंदन में हुआ था कुछ साल पहले, तब से ये जो रूल है पूरी दुनिया ने अपनाया है। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि ये सारी चीजें जो बनती हैं वो केमिकल से बनती हैं, और उनको ले जाने के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। तो इस वजह से जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, लगभग आप अगर यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, अगर आप उधर जा रहे हैं तो आपके जो टॉयलेटरीज हैं, जो हैंड बैग में हैं, हाथ वाले बैग में हैं, वो एक लिमिट तक ही होने चाहिए। तो चलिए अब लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको कुछ एक प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ जो मैंने ऑलरेडी एक जिप लॉक बैग में डाल के रखे हैं। मान लीजिए कि शेविंग फॉर्म है, या आफ्टर शेव है, या आपको हैंड क्रीम की जरूरत है, या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जो आपने फ्लाइट में यूज करना है, उसी को आप हाथ में रखें। या जो लोग सिर्फ हैंड बैगेज के साथ ही जाते हैं तो उनको मजबूरी है, उनके पास कुछ चेक इन करने के लिए बैगेज है नहीं देने के लिए, तो उनको तो मजबूरन ही अपना जो नहाने धोने का या जो भी ले जाने का सामान है वो अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा। तो इस तरह का जिपलॉक बैग आप ले सकते हैं। इसका साइज देख लीजिए, बिल्कुल चकोर है ये, आराम से आपको मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन बड़े साइज का नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल आइडल साइज है जो जिपलॉक बैग आता है। तो इसके अंदर जिस तरह से मैंने प्रोडक्ट्स रखे हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट मैंने रखा है सिर्फ 30 ml का है, तो टोटल हम इसमें क्या कैरी कर सकते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जितने भी प्रोडक्ट आप इसमें डाल रहे हैं, पहली बात कि ईच प्रोडक्ट 100 ml से नीचे होना चाहिए। 100 ml से ऊपर अगर बोतल भी आपकी खाली बोतल भी होगी, जिसमें प्रोडक्ट तो आधा ही होगा, फिर भी उसको सिक्योरिटी निकाल लेगी। तो 100 ml जो बोतल होती है उससे बड़ी बोतल नहीं होनी चाहिए, मतलब पैकिंग उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। 100 ml से नीचे नीचे की पैकिंग होनी चाहिए ईच प्रोडक्ट की। टोटल 1000 ml से ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। तो अगर सारे प्रोडक्ट्स, अगर मान लीजिए आपने इसमें 20 प्रोडक्ट भी डाले हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन टोटल 1000 ml से ऊपर नहीं है तो वो अलाउड है। लेकिन ईच प्रोडक्ट मैं फिर याद करा दूं, 100 ml से नीचे होना चाहिए। जैसे ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, कोई 20 ml है, कोई 30 ml है, तो एज लॉन्ग एज सारा सामान डालने के बाद इसका जो जिप लॉक है वो अच्छे तरह से अगर बंद हो रहा है तो ये जाने के लिए ओके है। कोई भी प्रोडक्ट आपका बाहर निकलना नहीं चाहिए, और ऐसा ना हो कि सामान डालने के बाद, चाहे वो 1000 ml ही हो, कई बार शेप्स बोतलों की ऐसी होती है जिससे कि बहुत बड़े बड़े वो दिखते हैं, और जिपलॉक अगर बंद नहीं होगा तो भी उन प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दिया जाएगा जो आपके इस बैग में फिट नहीं आ रहे।
मैं इसमें बात कर रही हूँ परफ्यूम्स की, क्रीम्स की, हैंड क्रीम्स की, नेल पॉलिशेस की, या शेविंग क्रीम, शेविंग फॉर्म, कोई भी चीज जो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो सारी चीजें अगर आपके हैंड बैग में है तो वो इस तरह से पैक होनी चाहिए जिस तरह से मैंने इसमें डाली है। खाली बैग अगर आपको मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये बैग दिखेगा, तो आप इसमें अपना सामान डाल सकते हैं जो भी आपने लेके जाना है। और एक और चीज मार्केट में आती है, मान लीजिए अगर बड़े कंटेनर्स हैं आपके घर में कुछ ऐसे सामान के, तो आप उनको छोटे कंटेनर्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने एक सैंपल खरीदा है, ये नॉन ब्रांडेड है क्योंकि मैंने जल्दबाजी में खरीदा, मेरा मन था कि मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊं एटलीस्ट ताकि उनको समझ आए। तो ये एक छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, इस तरह के किट में आते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं जितने दिन आपने ट्रैवल करना है आप उसके अकॉर्डिंग उतना ही प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको मान लीजिए फ्लाइट में प्रोडक्ट की जरूरत है तो आप इसको भर के अपने साथ फ्लाइट में रख लें, छोटे छोटे यू नो प्रोडक्ट्स को, और जो उसके बड़ी पैकिंग है आप अपने जो जमा कराने वाला बैग है उसमें लेके जा सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए अगर आपने वैसलीन या हैंड क्रीम या फेस क्रीम कुछ भी या कोई भी लिक्विड फॉर्म में चीजें डालनी है तो आप इसमें डाल सकते हैं और इनको आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। मैं इस पाउच के लिए श्योर नहीं हूं कि ये पाउच अलाउड होगा या नहीं होगा, मतलब इसको वो लिक्विड फॉर्म में वो कंफर्म करते हैं या नहीं करते हैं सिक्योरिटी पे, नहीं तो आप इसकी बॉटल्स को लेकर इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बॉटल 20 ml 30 ml इस तरह से ये बोतलें हैं, तो इस तरह की आप काफी सारी खरीद सकते हैं जितनी आपके यू नो इसमें जिपलॉक में पूरी आती हैं। तो इस तरह से आप ये सारे प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जाने के लिए। मान लीजिए एक में शैम्पू डाल दिया, एक में फेस क्रीम, एक में रोज वाटर, जो भी चीज आपको फ्लाइट के लिए जरूरत है। अगर आपके पास चेक इन बैगेज नहीं है तो मजबूरन आपको सारा सामान अपने साथ हाथ वाले बैग में ही लेके जाना है, तो उस केस में आप अपना जो बाकी का सामान भी है, जो भी आपके नहाने धोने का सामान भी, आप इन छोटी पैकिंग्स में डाल सकते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी पैकिंग्स जो होती हैं, चाहे उसके ऊपर लिखा उसके ऊपर 200 ml हो और उसमें प्रोडक्ट अगर सिर्फ बचा हुआ 100 ml हो, तो भी एक्सेप्ट नहीं होगा, आपकी बोतल को या परफ्यूम को या किसी चीज को भी फेंक दिया जाएगा। और मैं परफ्यूम के वर्ड से याद आया, परफ्यूम्स के भी मिनिएचर्स आते हैं, डिओड्रेंट्स भी छोटे आते हैं, हेयर स्प्रे भी आते हैं छोटे 50 ml के, 100 ml से नीचे आते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी ट्रैवल करना हो, एक तो ये होगा कि वेट आपके पास ज्यादा नहीं होगा कैरी करने के लिए, दूसरा आप अपनी पैकिंग इफेक्टिवली कर सकते हैं जिससे कि जब आप एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से निकलेंगे तो उस टाइम पे आपके अगर बड़े प्रोडक्ट आपके हैंडबैग में पाए गए तो वो उनको निकाल के लिटरली बिन में डाल देते हैं, तो उससे आपका पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम और एनर्जी भी वेस्ट होता है कि आपने खरीदा अपने बैग में डाला। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको बताना चाहती थी कि आप छोटे साइज के ले सकते हैं जो अच्छे से आप पैक कर सकते हैं। और रूल यही है कि 1000 ml से ऊपर टोटल आपका नहीं बनना चाहिए, जिप लॉक उसका बंद होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी बड़ा प्रोडक्ट होगा तो उसको निकाल लिया जाएगा, चाहे उसके अंदर बचा हुआ प्रोडक्ट 50 ml ही हो, लेकिन बोतल अगर 200 ml होगी तो उसको उठा के फेंक दिया जाएगा। तो ये थे कुछ एक जनरल रूल्स ट्रैवल के बारे में। कैसा लगा हो आज का वीडियो बताना मत भूलेगा, ये नई सीरीज मैंने शुरू की है ताकि जो मेरे अपनी जबान वाले लोग हैं उनको कुछ मदद मिल सके, उनको मैं कुछ चीजें समझा पाऊं ताकि वो ट्रैवल करें और उनकी कुछ चीजें ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी वाले निकाल ले फेंक दे और उनका जाते हुए मूड खराब हो। सो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा। कैसा लगा है वीडियो बताना मत भूलिएगा, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। और मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है ममता सचदेवा मोगा, आपका कोई सजेशन हो, कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज मुझे खुल के लिखिए, मैं आपकी फीडबैक को जरूर पढ़ूंगी। और अगर आपका कोई सजेशन हो, आप किसी और चीज के ऊपर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप मुझे बताना मत भूलिएगा। टिल देन दोस्तों, हैव अ नाइस डे, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड आई विल सी यू गाइस सून, बाय।